good morning friend, मैं हूँ सिमाना, आपके डाइनिंग टेबल विद सिमाना की कोच। अभी सुबह के 10 बजने वाले हैं और आज मैंने बुलाया है मेहमानों को चाय नाश्ते के लिए, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बनाऊँ। मैं सोच रही थी कि कुछ चाइनीज हक्का नूडल्स वगैरह बना लूँ, लेकिन महाराष्ट्र में सबको चाइनीज पसंद नहीं आता है, क्योंकि यहाँ के लोग ज्यादातर ट्रेडिशनल खाना बहुत पसंद करते हैं। वो भी अच्छी बात है, अपने महाराष्ट्र का खाना भी बहुत ही अच्छा है। जो मेहमान आ रहे हैं 3-4 लोग हैं, कुछ बुजुर्ग है और कुछ यंग जनरेशन है। तो यंग जनरेशन को तो चाइनीज पसंद आता ही है, लेकिन बुजुर्ग लोगों को ज्यादा ये हक्का नूडल्स वगैरह पसंद नहीं आता। तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही थी क्या करूँ क्या ना करूँ, तो मैंने ये सोचा मैं दोनों ही बना लेती हूँ। चलिए बताती हूँ मैं क्या बना रही हूँ। ये देखिए, मेरे डाइनिंग टेबल में मैंने सारी तैयारी करके रखी है, यानी कि मैं 2 आइटम बना लूंगी, जिसको जो पसंद है वो वही खा लेगा, राइट। एक तो मैं चाइनीज देखिए हाका नूडल बनाने जा रही हूँ, जो कि मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ, और लेकिन इनकेस अगर उनको चाइनीज पसंद नहीं आता है तो मैं यहाँ पे पोहा भी बनाने वाली हूँ। ओके, तो पोहा भी बना लूंगी, चाइनीज भी बना लूंगी, जिसको जो पसंद आता है वो खा लेंगे। आप भी कभी कंफ्यूज हो तो थोड़ा थोड़ा सा 2-3 आइटम बना ले, तो आपके मेहमान निराश नहीं होंगे। और इसके साथ साथ चाय या कॉफ़ी ज़रूर बनाऊंगी मैं। तो ये देखिए, पोहा और चाइनीज़ के लिए मैंने सारी सामग्री तैयारी की है। ओके, तो वैसे तो मैंने चाइनीज़ हक्का नूडल्स और पोहा इन सब रेसिपीज़ की वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हक्का नूडल्स बना लेती हूँ और यहाँ पे 2-3 चम्मच ऑयल ऐड करती हूँ मैं, ठीक है। तो जैसे ही ऑयल गर्म होता है तो मैं ये ऑनियन डाल दूंगी। और कुक नहीं करना है, हल्का सा कुक करना है, तकरीबन 1 मिनट। अब मैं ग्रीन बीन डाल देती हूँ, राइट। देखिए मैं चाइनीज हाई आंच में बना रही हूँ, इसके कुछ सेकेंड हम इस तरह से फ्राई कर लेंगे। फिर उसके बाद थोड़ा सा हम कैबेज यानी पत्ता गोभी डालेंगे। सब्जी आप मनपसंद तरीके से डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं यहाँ पे थोड़ी सी 2-3 मिर्ची डाल रही हूँ। सॉरी, मिर्च मुझे पहले ही डालना चाहिए था, मैं भूल गई, कोई बात नहीं, मैं अभी डाल देती हूँ। अब मैं टोमेटो भी डाल देती हूँ, ठीक है। सबको 1 मिनट तक स्टीर फ्राई कर लेंगे हाई आंच में, राइट। और साथ ही साथ ये 2 चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट भी डाल देती हूँ। तकरीबन 2 मिनट वेजिटेबल को स्टीर फ्राई करने के बाद ये डाल रही हूँ मैं रेड चिली सॉस, फिर 2 चम्मच। मैं 1 पैकेट हक्का नूडल्स बना रही हूँ और 1 चम्मच ग्रीन चिली सॉस डाल रही हूँ। ये स्पाइसी होते हैं, आपको जितना चाहिए उस हिसाब से डालिएगा। तो 1/2 चम्मच मैं यहाँ पे हल्दी डाल रही हूँ, हल्दी ऑप्शनल है, चाइनीज में हल्दी वैसे तो नहीं पड़ता है, लेकिन हम इंडियन डालते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छा सा कलर आ जाएगा। इसको चला लेंगे। अब थोड़ा सा 2 चम्मच सोया सॉस डालती हूँ मैं, राइट। 2 चम्मच विनेगर डाल लेती हूँ, इसको मैं 10-15 सेकेंड चला लूँगी, देन हमारी सारी वेजिटेबल रेडी हो जाएंगी। देखिए गैस सप्लाई हाई है, इसलिए हमें बिल्कुल भी देरी नहीं करनी है, नहीं तो हमारी सब्जियाँ गल जाएंगी। अब मैं ये 250 ग्राम का नूडल्स मैंने बॉईल कर लिया था, तो अब मैं इसमें डाल दूंगी। गाइस, नूडल बॉईल करने का प्रॉपर तरीका जानना है, जिससे खिले खिले, जैसे कि आप देख सकते हैं खिले खिले नूडल्स कैसे बॉईल करें, कैसे बनाएं, तो उसके लिए भी मैंने वीडियो अपलोड किया है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप देख लेना। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा नमक डालेंगे इसके ऊपर, अब हम इसको चला लेंगे। ये जो नूडल्स है तकरीबन 4 लोगों के लिए हो जाएगा एज अ 1/2 प्लेट। देन मैं अब इसमें फाइनली कोरिएंडर लीव्स डाल देती हूँ, विच इज मस्ट इम्पॉर्टेंट हियर। आप ग्रीन स्प्रिंग ऑनियन भी डाल सकते हैं, पुदीना भी डाल सकते हैं। तो अब थोड़ा सा चला लेंगे। चाइनीज हक्का नूडल तैयार हो गया है। हालांकि चाइनीज गर्मा गर्म सर्व किया जाता है, लेकिन मेहमान अभी आए नहीं है, तो मैं इसे यहाँ पे रख देती हूँ अभी। तो देखा ना मेरे चाइनीज कितने फटाफट से बना दिया, सच बोलो तो 10 मिनट भी नहीं लगे। अगर आप सारी सामग्री ऑलरेडी तैयार रखते हैं तो चाइनीज बहुत ही फास्ट हो जाता है।
अब चलिए पोहे बना लेते हैं। पोहक बनाने के लिए मैंने बड़ा सा कढ़ाई लिया है। मुझे छोटे बर्तन में खाना बनाना बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि इधर उधर गिर जाते हैं, एडजस्ट नहीं हो पाते। अब मैं थोड़ा सा ऑयल डालती हूँ इस पे। तकरीबन मुझे 4-5 लोगों के लिए अच्छी क्वांटिटी में पोहा बनाना है, तो सबसे पहले मैं ये 2 मीडियम साइज चॉप पोटैटो फ्राई कर लूंगी। तो इनको ब्राउन होने देना है हल्का सा और इनको कुक होने तक फ्राई कर देना है। तकरीबन 4-5 मिनट का टाइम लग जाएगा। ओके, देखिए पोटैटोज हमारे फ्राई हो गए, अच्छे से कुक भी हो गए। आप इस तरह से इसको प्रेस करके देख सकते हैं। थोड़ा सा हल्का सा और पका लेना है। तब तक शिंगदाने यानी कि ये पीनट्स को मैं फ्राई कर लेती हूँ इसी के साथ, कारण शिंगदाना बहुत जल्दी फ्राई हो जाता है, इसलिए मैं लास्ट में डाल रही हूँ। इससे ज़्यादा नहीं, तकरीबन 1 मिनट तक ही फ्राई करेंगे तो ये इनफ क्रंची हो जाएगा। ठीक है, इसी आलू के साथ मैं इसको फ्राई कर लेती हूँ। आप चाहे तो अलग से भी फ्राई करके डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए ये हमारा फ्राई हो गया, अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। ओके, गैस ऑफ कर दे पहले, नहीं तो ओवर कुक हो जाएगा शिंगदाना। इसे हम निकाल लेंगे। तो ये है सूखा पोहा, जो बहुत ही थीन सा पतला सा, कितना बढ़िया पोहा है ये। तो इसको मैं जस्ट पोहा बनाने के जस्ट पहले धोती हूँ, बहुत पहले नहीं इसे भोगना है, कारण ये बहुत फूल के स्टिकी हो जाएगा। जस्ट पानी से इसको धो लेते हैं, ज़्यादा देर इसको पानी में बिल्कुल नहीं भिगोना है। कुछ लोग क्या करते हैं, पानी में भिगो देते हैं बहुत देर तक, तो पोहा बहुत ही ज़्यादा फूल जाता है। ओके, ये इनफ है। और ये जाली वाला बर्तन लें, अगर आप नहीं हो पोहा बनाने के लिए तो जाली वाला बर्तन दें, ताकि सारा पानी नीचे से निकल जाए। हमने साइड में रख दिया है। अब हम यहाँ पे सेम कढ़ाई में जो सेम ऑयल है उसी पे हम क्या करेंगे, गरम ऑयल है। अब ये 1/2 चम्मच राई यानी कि मस्टर्ड सीड, यहाँ पे मोरी कहा जाता है इसे। देन ये 1/2 चम्मच जीरा डाल देंगे हम। देन हम ये अनियन डालेंगे और इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे, ज़्यादा नहीं पकाना है यहाँ भी। देन हम यहाँ पर डालेंगे ग्रीन चिली। ऑलराइट, ग्रीन चिली इस तरह से कट करके डालें ताकि खाते वक्त जिसको ग्रीन चिली नहीं खाना हो वो साइड में कर सके। देन मैं डालूंगी 2-4 लहसुन, चॉप लहसुन। लहसुन ऑप्शन है, चाहे तो डालें चाहे तो ना डालें, लेकिन मैं मेरे पोहे में डालती हूँ। अब यहाँ पे 1/2 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, हल्दी, शुगर चाहे तो डालें। महाराष्ट्र को हल्का सा मीठा लगता है, मीठा फ्लेवर लगता है पोहे में, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मेहमान लोग आ रहे हैं तो इसलिए मैं शुगर डाल रही हूँ, अदरवाइज मैं पर्सनली खुद के लिए बनाती हूँ तो कभी नहीं डालती हूँ। अब यहाँ पे मैं डालूँगी फ्रेश फ्रेश करी लीव्स। करी लीव्स आप पहले भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा बाद में यूज़ करती हूँ क्योंकि करी लीव्स गर्मा गर्म तेल में बर्न ना हो जाए। तो तकरीबन 2-3 मिनट की स्टिर फ्राई के बाद अब पोहा डालने का टाइम आ गया है। ये देखिए ये पोहा कितना सॉफ्टी सॉफ्टी हो गया है, मैंने 2-3 मिनट पहले ही भिगो दिया था। अब इसमें डालेंगे हम, राइट, ये देखिए पोहे में बिल्कुल गांठ पड़ने ना दें, जरूरत के हिसाब से नमक डालेंगे। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ों के साथ। पीनट्स एंड पोटैटो जो हमने ऑलरेडी फ्राई करके रखा था, ओके, ये भी हम डाल लेंगे इस स्टेज में। चाहे तो आप थोड़ा सा नमक और ऐड कर ले क्योंकि हमने पोटैटोज भी डाला है। ये देखिए कितने खिले खिले पोहे बने हैं। पोहे बनाने के लिए हमेशा बड़ा बर्तन लीजिएगा, देखिए। ओके, तो आपको थोड़ा सा खट्टापन चाहिए तो ये देखिए थोड़ा सा नींबू डाल दें हम, नींबू का रस डाल दिया। अब यहाँ पे हम कोरिएंडर लीव्स डालेंगे थोड़ा सा। महाराष्ट्रीयन पोहे में और एक चीज पड़ता है, वो है कच्चा खोपरा यानी कि फ्रेश कोकोनट। वो मेरे पास अभी फिलहाल अवेलेबल नहीं है तो मैं उसके बगैर ही पोहे बना रही हूँ, उसके बगैर भी अच्छा लगता है। अगर आपके पास फ्रेश कोकोनट है तो आप इस स्टेज में फ्रेश कोकोनट यहाँ पे डाल सकते हैं ग्रेट करके। अब मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर देती हूँ और इसे निकाल देती हूँ बाहर। ये हमारा पोहा और ये नूडल्स तैयार है। मेहमान का फोन आ चुका है, वो आ रहे हैं। तो कैसा लगा आपको, फटाफट से 20 मिनट में हमने चाउमीन और पोहा बना दिया है और चाय भी लगभग तैयार है। सॉरी मैं मेहमान को सूट करके नहीं दिखा रही हूँ, लेकिन आप कभी भी कंफ्यूजन में हो कि क्या बनाना है,
पसंद आएगा कि नहीं, तो थोड़ा थोड़ा आइटम आप दो या तीन आइटम बना लें, तो जिनमें से जो भी चीज़ें उनको पसंद है वो खा लेंगे। तो फटाफट से इस नाश्ते आप बना सकते हैं और आप अपने मेहमानों के लिए सर्व कर सकते हैं, और ज़्यादा वैरायटी रखने से मेहमान इम्प्रेस भी हो जाएंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस पास ही बेल आइकन है उसको भी क्लिक करें जो कि बिल्कुल फ्री है। और हाँ, मेरा एक और नया चैनल मैंने ओपन किया है यूट्यूब पे जिसका नाम है यूजफुल अनबॉक्सिंग, जिसमें मैं छोटी सी छोटी बहुत ही यूजफुल चीज़ों की अनबॉक्सिंग करती हूँ, जिसका इन्फॉर्मेशन और रिव्यू देती हूँ। आपको भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। चैनल का नाम है यूजफुल अनबॉक्सिंग। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, टिल देन सी यू, बाय बाय।